न्यू इतिहाद ट्रेवल्स के एमडी और सीनियर सहाफ़ी मलिक उमर दराज जोया, सियासी और समाजी शख्सियत मलिक आबिद जाना, मलिक खलास खान बिल्ला और सदर वादी सून प्रेस क्लब नौशहरा मलिक अहमद सईद आवान की कोशिशें रंग ले आईं। दो ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। सुलह की दुआ खैर रमज़ानिया जामे मस्जिद नली में हुई। मौज़ा नली की दो बरादरियाँ जिनमें दरबारे बाबा बूंदी सरकार के साहबजादा अली सुल्तान और बलोच बरादरी की दुश्मनी अरसा दराज से चली आ रही थी, जो इन मौजिज़ शख्सियात ने दोनों बरादरियों की सुलह करवा दी। सुलह की तकरीब मलिक अहमद सईद आवान की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई। सुलह की तकरीब से खिताब करते हुए मलिक उमर दराज जोया, मलिक आबिद जाना और मलिक खलास खान बिल्ला ने कहा कि दुश्मनियाँ मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं, सुलह से अल्लाह पाक की रज़ा होती है। जहाँ दुश्मनियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ भाईचारे और अख़ुवत की फ़िज़ा पैदा होती है। सुलह और अमन से फसाद का खात्मा होता है और मुआशरा में अमन कायम होता है। सुलह की तकरीब में वादी सोन प्रेस क्लब नौशहरा मलिक जाहिद फारूक आवान, दरबारे बाबा बूंदी सरकार साहिबजादा शाह सुल्तान, अब्दुल गनी मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मद नज़र, मलिक शहबाज बजराल, मलिक शाहिद बजराल, हाजी मलिक मोहम्मद अहमद मौजूद थे।